चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी। अभी 323 लोग अपने समन साथी जुड़े हैं, प्लीज 5 मिनट और लीव ना करें। लीजिए। ये जो समन संघ है इसमें एक दो चीजें और मैं थोड़ा सा कि एक शंकाए बहुत है हमें कि ये क्या है और क्या कर रहा है, और हर किसी के क्वेश्चन बहुत होते हैं। जैसे कि अभी कोई कहेगा आप ये काम करो, राय बहुत है जब हम किसी से बात करें या यहाँ पे भी आके अपने, क्योंकि वो जैसे काम कर रहे हैं जहां भी है, कोई एनजीओ कुछ चला रहा है, कोई संगठन में कुछ कर रहा है, तो इस तरह से जो जो काम कर रहे हैं, कोई अपना जो इसी तरह का एट्रोसिटीज पे कुछ काम करने का कुछ बनाया है, तो जैसे जैसे छोटे छोटे यूनिट उनकी भावनाएं तो काम करने की है, तो वही बात यहाँ पे हमसे करते हैं कई बार, और काफी मतलब समस्या ऐसी आ जाती है कि ये विद द पीपल ये काम क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता, ये प्रॉब्लम है इस पे क्यों नहीं। देखो ये ऐसे काम सभी पूरे भारत में बहुत सारे संगठन है, छोटे हैं बड़े, सब कर रहे हैं काम, ये ठीक है जैसे तैसे कर रहे हैं, किसी वे से कर रहे हैं, तो हमारा जो ये इस संघ को काम को जो उसी के लिए क्यों कहते हैं कि जो ऑलरेडी सब लोग कर रहे हैं अलग अलग वे में कर रहे हैं, तो एक तो ये चीज है, इसको समझने की जरूरत है कि संघ जो है ठीक है वो अपना अपना काम करते रहे, संघ तो अभी सबको जोड़ने का काम कर रहा है जो अब तक कोई काम नहीं किसी भी संगठन या किया संस्था ने या कोई पार्टी ने, एक तो ये क्लियर हो सबको, संघ है जुड़ना जोड़ना और इसको बढ़ाना, संघ की ताकत को हमारे पास जन बल है उसको इकट्ठा करना है, और वो इकट्ठा करने का तरीका है कि हमारी जो भी छोटी छोटी बाधाएं आपसी झगड़े हैं या हमारा आचार विचार है वो ठीक नहीं है, आपसी दो भाई कैसे ठीक रहेंगे चार भाई अगर उनके नियमों का नहीं मानेंगे, एक कुछ कर रहा है एक कोई नशा करता है कोई व्याप विचार करता है कोई, तो कैसे रहेंगे वो, तो ये सब पंचशील को पालन करते हुए हम इकट्ठा होंगे तो हम हो जाएंगे संघ हमारा मजबूत। दूसरा ये है कि अभी ये 8 महीने हो गए लेकिन अभी संघ बहुत छोटा है, और तो जो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वो कई बार क्या है कि हमारा मकान है जैसे नींव डली है और हम सोचते हैं छत के मकान है, वैसे कोई बारिश आएगी कुछ कभी आंधी आई तो उसे बचा लेगा, ऐसा नहीं है, ये अभी शुरुआत है, इसको मजबूत करना है, ईंट ईंट इसकी इकट्ठी करके बड़ा करना है, तो कैसे होगा, तो पहले सभी साथी जो यहाँ है या अपने और साथियों को जो भी है उनको बोले संघ को बढ़ाएं, इसकी ताकत जब बढ़ेगी जब संघ पूरा होगा, कुछ लेवल पे साथ साथ करते रहेंगे काम कुछ भी, लेकिन जब एक ताकत इस लेवल की होगी तो और काम भी कर सकते हैं, जितने संगठन और सब जगह काम कर वो भी इसकी जो संकल्पना है इसके प्रिंसिपल्स है उसको वो अपनाएं, तो इसके साथ उनकी बिल्कुल मेलजोल बढ़ेगा, तो और चाहिए क्या, ये संघ है संघ में सम्मोहित हो जाएंगे, क्योंकि जब भावना विचार भाईचारा उनके उसमें भी आ जाएगा, स्वार्थ और स्वार्थ से ऊपर उठ जाएंगे, मंच माइक और इस तरह की भावना से ऊपर उठ जाएंगे, भाईचारा की मन में आ जाएगी, पंचशील को पालन करेंगे तो संघ में आ जाएंगे, और संघ है और वही ताकत बनानी, जब हमारी ताकत हो जाएगी फिर ठीक है, फिर कोई कुछ कह सकता है भी कोई काम है तो, और नेचुरली फिर जब ताकत होगी तो अपने आप ही काम होंगे, जब एक ताकत पूरी, जैसे अब किसानों का सब एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि उनका संघ बना तो उनमें उनकी बात मानी गई, तो हमें हर जगह संघ बनाना है, घर में संघ, गांव में संघ, शहर में संघ, स्टेट में संघ, फिर भारत का संघ, फिर इंटरनेशनल संघ, तो ये सारे हर लेवल पे संघ ध्यान रहे, संघ की विचारधारा संघ की जो प्रिंसिपल है उसको अपनाते हुए हम इकट्ठे होते जाएंगे तो हम बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे, हमारे सारे अधिकार छीनना जो छीने वो भी आ जाएंगे, और कोई फर्दर अधिकारों को कतरन नहीं कर पाएगा, कट नहीं कर पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, यही मुझे थोड़ा ऐड करना था आज, कई एक दो बार ऐसी बातें होती रहती है, जो भी आते हैं अपनी विचार इस तरह से यहाँ देते हैं।
ठीक है, उनकी राय आप अपने हिसाब से दे देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करें, और ये काम है ये उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो मेरे सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें बसों का टारगेट था इस फरवरी फरवरी में, तो अभी ये थोड़ा 400 सवा चार साढ़े 445 तक हुआ था शायद, तो इसको हमें 500 तक, पोर्टल पे 500 की संख्या है, इसको बढ़ाएं। जितने ज्यादा साथी इसमें जुड़ेंगे उतना ही संघ मजबूत, एक दिन नहीं होगा पर वो विचार लेके जाएंगे और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो 500 क्रॉस होने के बाद 1000, इसको आगे की संख्या के लिए 1000 तक के लिए हम कोई इसका फर्दर जो फीस है या ऐसा कुछ इसकी रजिस्ट्रेशन है या वो करें, लेकिन 500 पहुंचाए जल्दी। 28 नहीं, इसको अगले 8-10 दिन में कोशिश करें कि ये 500 पहुंच जाए। थैंक यू सर, सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जय भीम, नमो बुधाय। बहुत बढ़िया प्रियार जी, बहुत बढ़िया। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।